हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के पेपर में आपके सिलेबस में एक टॉपिक है खेल और शिक्षा, उसी पर ये अवलंबित होगा। एमसीक्यू कुछ लेके आए हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे में बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं या बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो हॉस्टल अधीक्षक 2024 वाला जो प्लेलिस्ट होगा उसको दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, खेलते हुए बच्चों को वस्तुएं छूने, उन्हें ध्यान से देखने और आसपास के वातावरण की छानबीन करने का मौका मिलता है। इससे उन्हें अपने मन में उठने वाले अनेक प्रश्नों का उत्तर मिलते हैं। इससे बच्चे में खाली स्थान का विकास होता है, संज्ञात्मक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास या शारीरिक विकास, इसमें से आपको कोई एक बताना है। सही आंसर ए आएगा, संज्ञात्मक विकास होता है। एक बच्चा है 2 साल का, समझ लीजिए 2 साल का बच्चा है और पानी का एक पाइप क्या है और पाइप निकल रहा है तो उसको क्या करता है, वो खेल रहा है पेड़ में देने के लिए। वो बाबा पानी निकलने वाले में अपना उंगली डाल रहा है, उंगली डालने से वो चारों ओर फब्बारा टाइप फिका भी रहा है, वहां पर उसके कपड़े भी भींग रहे हैं। ये प्राय 5 मिनट 10 मिनट तक बच्चा खेलता है इस चीज को, भले वो भींग रहा है वहां पर लेकिन उसमें एक संज्ञात्मक विकास हो रहा है कि मैं जब उंगली डालूंगा तो यहाँ पानी का फब्बारा निकलेगा, फब्बारा गिरता है। तो इस प्रकार बच्चे छू के, और भी छोटे बच्चे होते हैं जैसे 7-8 महीने का बच्चा है तो कोई भी बच्चा कोई भी चीज को खेलते खेलते वो अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है। उसके सामने चम्मच मिल गया तो मुंह में डालेगा, कोई चीज मिल गया तो उसको मुंह में डालेगा। बच्चे लोगों का आदत होती है और मुंह से वो पहचानने की कोशिश करता है, देखने की कोशिश करता है, उसका संज्ञात्मक विकास हो रहा है, वो पहचान पता चल जा रहा कि है क्या चीज उसमें। तो इसमें बच्चे का क्या होता है, संज्ञात्मक विकास का विकास आरंभ होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि निम्न में से क्या सही है, खेल कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है, खेल शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देती है, खेल भाषा के विकास में सहायक होती है, उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि आप खेल खेलता है बच्चा तो कल्पनाशीलता, बच्चे कल्पना में पता नहीं छोटा छोटा माचिस के डिब्बे को आप बना लेते हैं, ट्रक बना लेते हैं, गाड़ी बना लेते हैं, यहाँ पर कल्पनाशीलता है। सृजनात्मकता, और उसमें चका फिट कर देंगे तो इसमें सृजन का विकास होगा, माचिस के डिब्बे में अगर चका फिट कर रहे हैं और ले तो सृजनात्मकता का बढ़ावा देती है। इसमें खेल शारीरिक क्रियात्मक विकास को, दौड़ते हैं खेलते हैं तो शारीरिक विकास भी होता चला जाता है, खेल भाषा के विकास में भी सहायक होता है। बच्चा एक दूसरे के साथ जब खेलते हैं, आपस में खेलते हैं तो एक दूसरे को समझाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए बच्चे लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, और बात को जब समझाना होगा दूसरे को, छोटा बच्चा समझानेगा तो किस प्रकार शब्दों का सामंजस्य है वो करना सीख जाता है। इस प्रकार खेल में भाषा का विकास भी होता चला जाता, तो उपरोक्त सभी इसमें आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, जब एक बालिका मिट्टी के साथ जब किसी वयस्क के हस्तक्षेप व निर्देशन के बिना ही खेल रही हो तो इस खेल को कहते हैं, इसमें आपको बताना है, मुक्त खेल, संरचनात्मक खेल, संवेदी क्रियात्मक खेल या प्रतीकात्मक खेल। सही आंसर इसमें ए आएगा, मुक्त खेल, बिना हस्तक्षेप के कोई खेल होता है तो खेलों का प्रकार है तो इसमें मुक्त खेल के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, शैशव काल में बच्चे का खेल है वस्तुओं को छूना, सूंघना, चखना और परिवेश की छानबीन करना, बच्चों का इस प्रकार के खेल किस प्रकार के खेल के अंतर्गत आएंगे ये आपको बताना है। मुक्त खेल, संरचनात्मक खेल, संवेदी क्रियात्मक खेल और प्रतीकात्मक खेल, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, संवेदी क्रियात्मक खेल के अंतर्गत आता है। 2 साल तक का बच्चे अक्सर क्या होते हैं, उसको छूना पसंद, किसी भी चीज को, और 6-7 महीने का बच्चा भी कोई भी चीज उसके साथ मिल जाएगा, ये तो आपने जिसमें मम्मी सुला दी है तो उसमें अगर चादर का छोटा सा कोना भी मिल गया तो उसको भी पकड़ के मुंह में ठूसता है और मुंह में डालने के बाद वो अनुभव करने की कोशिश करता है। तो ये सब क्रियाएं संवेदी क्रियाएं होती है, वो जो खेल होता है बच्चे का संवेदी क्रियात्मक खेल के अंतर्गत आता है। 2 साल तक के बच्चे, 0 से 2 साल तक का बच्चे पूरा संवेदी क्रियात्मक खेल ही खेलते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, बच्चे अन्य लोगों की भूमिका निभाते हुए कभी फूल वाला, कभी मम्मी और पापा की भूमिका निभाते हैं, इस प्रकार के खेल को क्या कहेंगे, मुक्त खेल, संरचनात्मक खेल, संवेदी क्रियात्मक खेल या प्रतीकात्मक खेल, इसमें से आपको बताना है कि वास्तव में सही उत्तर क्या आएगा।
सही आंसर इसका डी आएगा। ऐसे खेल को प्रतीकात्मक खेल कहा जाता है। प्रतीक के रूप में अगर बच्चा बोला जाए किसी चीज को, जैसे एक छोटा सा उनको मिल गया कांच का टुकड़ा मिल गया, उसको हीरा बना के खेलना स्टार्ट कर दिए, या छोटा सा एक पत्थर मिल गया उसको कुछ और वो दे दिया खेलना स्टार्ट कर दिए, ये भी एक प्रतीकात्मक खेल है। माचिस के डिब्बे को ट्रक बना लिए, ये भी प्रतीकात्मक खेल है। माचिस डिब्बे को टीवी बना लिए यहाँ पर, ये भी प्रतीकात्मक खेल है। तो गुड़िया गुड़िया गुड़ियों से खेलना, या अपने मम्मी पापा का रोल करना यहाँ पर, या किसी बुरे आदमी का रोल करना, किसी अच्छे आदमी का रोल करना, यह सब प्रतीकात्मक खेल के अंतर्गत आता है। निम्न से कौन सा खेल को प्रभावित करने वाले कारक में से नहीं है? आयु, लिंग, संस्कृति, इनमें से कोई नहीं। आयु, छोटा बच्चा अलग खेल खेलता है, बड़ा बच्चा अलग खेल खेलता है, प्रभावित करेगा। लड़का लड़की अलग अलग खेल खेलते हैं, प्रभावित करेगा। संस्कृति के अनुसार भी खेल बदल जाता है, लोग किस संस्कृति में पले बढ़े उसमें भी प्रभावित करता है। तो इनमें से कोई नहीं आएगा, सब प्रभावित करते हैं। तो सही आंसर इसका डी आएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किन मनोवैज्ञानिक अनुसार खेल अपूर्ण रह गई इच्छाओं का स्थानापन्न और अतीत की घातक घटनाओं से मुक्ति और पुनर्जीवन का एक रास्ता है? एरिक्सन और अन्ना फ्रेड, जीन पियाजे, पॉर्टेल या बाइगोतस्की, इसमें से कोई एक आंसर आएगा। सही आंसर ए आता है, ये कथन जीन पियाजे का है। जीन पियाजे कहता है कि मनोवैज्ञानिकों ने खेल अपूर्ण रह गई इच्छाओं का स्थानापन्न, माने उस जो खेल खेलता है और भूल जाना चाहता है उस अपूर्ण इच्छाओं को, अतीत की घातक घटनाओं से मुक्ति और पुनर्जीवन का एक रास्ता बताता है, इसलिए लोग खेलते हैं, कहते हैं जीन पियाजे। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, 0 से 2 साल के बच्चों के किस प्रकार खेल खेलना पसंद करते हैं? अभी आपने मेरा लेक्चर सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, संवेदी क्रियात्मक खेल। तो वास्तव में ये कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं? संवेदी क्रियात्मक खेल खेलना पसंद करते हैं। संरचनात्मक खेल, प्रतीकात्मक खेल, उपरोक्त सभी। तो प्रतीकात्मक खेल तो अभी बने ही नहीं, बोली का नहीं, पर प्रतीकात्मक खेल तो खेल नहीं सकते, ये संरचनात्मक खेल भी नहीं खेल सकते। संरचनात्मक खेल वास्तव में जिस प्रकार क्रिकेट है, जिस प्रकार शतरंज है, तो ये इस प्रकार संरचनात्मक खेल है, जिसमें देखिए निश्चित नियम कानून होता है, बनाया जाता है, संरचनात्मक खेल होता है, बच्चा कहां से खेलेगा। 3 से 7 साल के बच्चे खेलना पसंद करते हैं संवेदी क्रियात्मक खेल, संरचनात्मक खेल, प्रतीकात्मक खेल, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो होगा नहीं, पहली बात ये हो जाएगा। तो 3 से 7 साल के अक्सर बच्चे प्रतीकात्मक खेल खेलना चाहते हैं, मम्मी पापा बनना चाहते हैं, गुड़िया गुड़िया का खेल खेलना चाहते हैं, तो वास्तव में ये प्रतीकात्मक खेल खेलना चाहते हैं, विशेष करके खेलते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किस मनोवैज्ञानिक कथन है कि खेल संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है? तीनों चीज को वो हाईलाइट कर रहा है, संज्ञानात्मक भी, भावनात्मक भी और सामाजिक विकास, तीनों को बढ़ावा देता है। एरिक्सन और अन्ना फ्रेड, जान पियाजे, पॉर्टेल या बाइगोतस्की, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, बाइगोतस्की। केवल संज्ञानात्मक विकास जान पियाजे कहता है, लेकिन अगर तीनों मिलता है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास, तो बाइगोतस्की का आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, बाइगोतस्की के अनुसार खेल विकास के 3 तरीके से प्रभावित करता है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? खेल बच्चों का निकट विकास का क्षेत्र तैयार करता है, खेल कार्यों और वस्तुओं का विचार से अलग करने का प्रयास करता है, खेल आत्मनियंत्रण के विकास में सहायक होता है, खेल भाषाई विकास में सहायक होता है। सही आंसर इसका डी आएगा, इसके बारे में उन्होंने वक्तव्य नहीं दिया है। उन्होंने 3 चीजों को बताया, 3 तरीके से प्रभावित करता है, खेल बच्चों का निकट विकास का क्षेत्र तैयार करता है। अगर मम्मी के रोल कर रहा है या पापा का रोल कर रहा है, तो बच्चा है 5 साल का बच्चा अपने पापा का रोल कर रहा है, तो वो आने वाले भविष्य की ओर इंगित कर रहा है कि वो कैसा बनना चाह रहा है, वो कैसा करेगा, तो उसको तैयार कर रहा है आने वाले भविष्य की ओर। एक लड़का डॉक्टर बनता है तो आने वाले भविष्य की ओर तैयार कर रहा है उसको। खेल कार्यों और वस्तुओं के विचार से अलग करने का प्रयास करता है, कार्य अलग और विचार अलग, ये खेल ही होते हैं जो उनको कार्य और वस्तुओं को डिफरेंस करना महसूस कराते हैं। खेल आत्मनियंत्रण के विकास में सहायक होता है। एक बच्चा है, बच्चे को रोने के एक्टिंग करना है, एक बच्चा है जिसको चुपचाप बैठने के एक्टिंग करना, हो सकता है वास्तविक जीवन में तो ना बैठे, लेकिन यहाँ पर खेल खेलना है, वहां पर दूसरे उसको वो कर, तो वास्तव में खेल खेल में इतना मस्त हो जाता है कि बैठ जाएगा, 5 मिनट के 10 मिनट बैठ जाएगा, वो आत्मनियंत्रण में अपने आप सहायक हो जाता है, विकास हो जाता है यहाँ पर। तो खेल आत्मनियंत्रण के विकास में सहायक होता है, ये भी से ये 3 बातें उन्होंने कही थी बाइगोतस्की ने। क्वेश्चन
क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक अनुसार उम्र के साथ खेल में सहज प्रगति होती है? ये आपको बताना है कि जैसे जैसे उम्र होता है उस प्रकार खेल में सहज अपने आप प्रगति होती जाएगी। एरिक्सन, जीन पियाजे, पोर्टेल या बाइगोटस्की, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये बी आएगा, ये जॉन पियाजे ने कहा था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किस विद्वान ने इस बात की पुष्टि की है कि खेल के विकास का सीधा सा संबंध भाषा के विकास, समस्या समाधान और तर्कसंगत गणितीय चिंतन के विकास के साथ जुड़ता है? इसमें से आपको बताना है। फ्राइड ने, जॉन पियाजे ने, स्मालेस्नेस्की और सेफात्या ने, बाइगोटस्की ने, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये सी आएगा, स्मालेस्नेस्की और सेफात्या ने ही कहा है कि खेल के विकास का सीधा संबंध भाषा के विकास से, समस्या समाधान से और तर्कसंगत गणितीय चिंतन के विकास से जुड़ता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किस विद्वान के अनुसार खेल बच्चों की मानसिक क्षमताओं के विकास में भी एक बड़ी भूमिका निभाता है? स्केनर, जीन पियाजे, मैक्सवेल या बाइगोटस्की, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा, जीन पियाजे ने कहा है कि अनुसार खेल बच्चों के मानसिक क्षमताओं के विकास में भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यक्ति के व्यवहार की खोजबीन करता है, किसका कथन है? ये आपको बताना है। खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यक्ति के व्यवहार की खोजबीन करता है, के एस वर्न्स, फ्राइड, सिंगर या हरलाक, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, ये सिंगर का कथन। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।